कुछ लोगों से बात करने पे हमें लगता है कि वाह यार हम कितने स्पेशल हैं, फिर कुछ लोगों से बात करके लगता है कि यार हमारे तो कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, पर फिर भी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें बहुत देते ही नहीं है बिल्कुल भी, जिनको जिनकी नज़र में हम लोग एकदम फुद्दू हैं। पर ऐसा क्यों है? हमें हमेशा वो लोग पसंद आते हैं, वो लोग बड़े खूबसूरत से लगते हैं जो हमारी वैल्यू ही नहीं करते हैं, जो हमें पसंद ही नहीं करते हैं, और जो हमें हमारी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हमें भाव दे रहे होते हैं, हम उनसे हमेशा दूर भागना होता है, वो हमारे लिए क्लिंगी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सी, कुछ लोग एक्चुअल में क्लिंगी और नीडी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन लोगों की जो नॉर्मल से होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम उन लोगों को चेज कर रहे हैं जो हमें भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को इतने इंपॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि बचपन से ना हमें वैसा एक्सेप्ट किया ही नहीं गया जैसे हम हैं। हमें हमेशा सुधारने के लिए लोग आए हैं कि तेरी यहाँ पे कमी है, तेरी वहाँ पे कमी है। जैसे हम हैं ना वैसे उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। ऊपर से दुनिया जमाने की एड्स ने हमें ये सिखाया कि आपको गोरा होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना है, आपको स्मार्ट होना है, आपको ये होना है, वो होना है, कुछ ना कुछ होने पर लोगों ने ध्यान दिया। जो हम ऑलरेडी हैं उसको अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है।